हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मोनिका डावर, असिस्टेंट प्रोफेसर महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट। आज हम क्वेश्चन बैंक के बारे में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक असेसमेंट ऑफ लर्निंग पेपर बीएड सेमेस्टर सेकेंड ईयर में है, तो ये बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए खास करके हेल्पफुल रहेगा। तो हम इसमें देखते हैं सबसे पहले कंसेप्ट। क्वेश्चन बैंक जो है एक कलेक्शन ऑफ टेस्ट आइटम्स है, जो कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए बहुत सारे टेस्ट आइटम्स कलेक्ट किए जाते हैं इन अकॉर्डेंस विद सम ऑब्जेक्टिव्स। और जो भी टेस्ट आइटम्स कलेक्ट किए जाते हैं, दे शुड ऑल्सो कवर द एंटायर कंटेंट एरिया। जैसे आप बैंक में मनी डिपॉजिट करते हैं, उसी तरह क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे टेस्ट आइटम्स या क्वेश्चन होते हैं, पर वो वेराइटी ऑफ क्वेश्चन एक सब्जेक्ट एरिया के पर्टेनिंग होते हैं और कुछ ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के बनाए गए होते हैं। Now coming to the features of a good question bank, एक अच्छे question bank में क्या क्या खास बातें होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि वो एक objectives के ऊपर based होना चाहिए, कुछ objectives को ध्यान में रख के बनाया जाना चाहिए और learners के experience और knowledge को भी ध्यान में रखते हुए बनाया जाना चाहिए, यानी कि learner centered होना चाहिए। जो test items हो उसमें उनकी language clear और simple हो, ताकि वो स्टूडेंट्स इजीली उसको समझ सकें, और इंस्ट्रक्शंस भी साथ में हो, उसको कैसे यूज करना है, उस क्वेश्चन बैंक को, टेस्ट आइटम्स को, उसके इंस्ट्रक्शंस क्लियरली साथ में दिए होने चाहिए। और फीचर्स कंटिन्यू करते हुए, टेस्ट आइटम्स का जो डिफिकल्टी लेवल है वो एवरेज होना चाहिए, और डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स उसका अच्छा होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स मीन्स वो डिस्क्रिमिनेट कर पाए बिटवीन द स्टूडेंट्स हु हैव अंडरस्टूड एंड हु हैव नॉट अंडरस्टूड। मतलब जो उन टेस्ट आइटम्स को स्टूडेंट्स समझ पा रहे हैं और जो नहीं समझ पा रहे उस टेस्ट आइटम को, उनके बीच में डिस्क्रिमिनेट कर पाना चाहिए टेस्ट आइटम्स को। और आइटम्स ऐसे हो जो कि सिर्फ क्रैमिंग बेस्ड ना हो, क्रिटिकल थिंकिंग भी स्टिमुलेट करे स्टूडेंट्स में, उनको सोचने पर मजबूर करे। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी हो, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी हो, सिर्फ मेमोरी बेस्ड ना हो। उसमें सफिशिएंट नंबर ऑफ टेस्ट आइटम्स होने चाहिए, ताकि क्वेश्चन पेपर्स जो हैं उसमें से डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सेलेक्ट कर सके, लेंथ वाइज भी, मतलब छोटे शॉर्ट आंसर टाइप भी हो, लॉन्ग आंसर टाइप भी हो, डोमेन वाइज भी, यानी कि नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, सभी ऑब्जेक्टिव्स के डोमेन्स को कवर करते हुए, और मार्क्स वाइज भी, 1 marker, 2 marker, 3 marker, 5 marker, मतलब हर वैरायटी को कवर करते हुए सफिशिएंट नंबर ऑफ टेस्ट आइटम्स होने चाहिए क्वेश्चन बैंक में। कंपोनेंट क्या है क्वेश्चन बैंक के? नेचुरली क्वेश्चंस का पूल है तो क्वेश्चंस ही होंगे उसमें, बट क्वेश्चंस जो है वेरिंग लेंथ के होने चाहिए, मतलब कि शॉर्ट आंसर टाइप भी हो, लॉन्ग आंसर टाइप भी हो, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप भी हो, और ऑब्जेक्टिव्स के सभी डोमेन्स को वो कवर करें, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन और हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, सभी डोमेन्स को कवर करते हुए क्वेश्चंस होने चाहिए। क्वेश्चन बैंक को डेवलप किस तरह से किया जाता है? सबसे पहला स्टेप रहता है कि हमें ऑब्जेक्टिव्स फॉर्मुलेट करने चाहिए, कि उन टेस्ट आइटम्स को बनाने के हमारा मकसद या ऑब्जेक्टिव्स क्या है। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस कौन कौन से इंक्लूड करने हैं उस क्वेश्चन बैंक में, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, और अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं तो उसमें मल्टीपल चॉइस लेने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स लेने हैं, किन किन तरह के क्वेश्चंस को हमें इंक्लूड करना है क्वेश्चन बैंक के अंदर। फिर उसके बाद एक ब्लूप्रिंट या एक्शन प्लान बनाया जाता है, और एक्शन प्लान के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को फॉर्मुलेट किया जाता है। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि क्वेश्चंस को हम अलग अलग जगहों से या अलग अलग सोर्सेस से कलेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि पुराने क्वेश्चन पेपर्स में से, सैम्पल पेपर्स में से, या टेक्स्ट बुक में से भी लिए जा सकते हैं, या दोनों तरीके अपना सकते हैं। हम कुछ क्वेश्चंस खुद भी बनाए जा सकते हैं और कुछ कलेक्ट भी किए जा सकते हैं। और इसके साथ साथ टेस्ट आइटम्स के साथ साथ इंस्ट्रक्शंस भी होनी चाहिए कि उनको कैसे यूज करना है क्वेश्चन बैंक को, और टेस्ट आइटम्स के का को किस तरह से अटेम्प्ट करना है उसके इंस्ट्रक्शंस, एज वेल एज मार्किंग स्कीम भी होनी चाहिए कि उन टेस्ट आइटम्स की मार्किंग किस तरह से की जानी चाहिए। उसके बाद हम इस क्वेश्चन बैंक को प्रिपेयर करने के बाद उसे एक्सपर्ट्स को दिखाया जाता है,
ताकि एक्सपर्ट्स बता सके अगर कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है तो उसे मॉडिफाई किया जा सके. और उसके बाद क्वेश्चंस को स्टैंडर्डाइज भी किया जाता है बाय डिटरमिनिंग इट्स रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी. रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि टेस्ट जो है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए. जब भी टेस्ट दिया जाए, अगर एक ही स्टूडेंट को टेस्ट आज दिया जा रहा है और 2-3 महीने बाद दिया जा रहा है तो उसका स्कोर ऑलमोस्ट सिमिलर आना चाहिए. और वैलिडिटी मतलब होता है कि इट शुड सर्व इट्स पर्पस. तो क्वेश्चंस को स्टैंडर्डाइज किया जाता है बाय डिटरमिनिंग इट्स रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी. और क्वेश्चंस को कॉन्टिन्यूअसली क्वेश्चन बैंक को हमें अपडेट करते रहना चाहिए क्योंकि सिलेबस भी चेंज होता रहता है और हमें एनरिच भी करना चाहिए क्वेश्चन बैंक को न्यू क्वेश्चंस के साथ. और इसके बाद एक बार फाइनलाइज करने के बाद वी शुड मेक इट अवेलेबल फॉर स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर्स. ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक्स भी आजकल अवेलेबल है. ऑनलाइन सिस्टम्स आ गए हैं एग्जामिनेशन के लिए, तो इन ऑनलाइन सिस्टम्स में जो क्वेश्चन बैंक होता है वो कंप्यूटर में ही स्टोर्ड होता है और उसी को कंप्यूटर यूज करता है एग्जाम पेपर्स जनरेट करने के लिए. मेरिट्स हैं क्वेश्चन बैंक के कि ये लर्नर सेंटर्ड है, लर्नर्स के एक्सपीरियंसेस, इंटरेस्ट, बैकग्राउंड, नीड्स, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए टेस्ट आइटम्स बनाए जाते हैं. इससे पेपर सेटिंग इजियर हो जाती है. जो भी टीचर्स या क्वेश्चन पेपर सेटर्स होते हैं वो इसी पूल ऑफ क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस ले सकते हैं, उनको खुद क्वेश्चंस प्रिपेयर नहीं करने पड़ते. स्टूडेंट्स भी जब क्वेश्चन बैंक यूज करते हैं तो उन्हें रिविजन में काफी हेल्प मिलती है. उन्हें पता लगता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो है कौन से आ सकते हैं एग्जाम में. मार्किंग स्कीम इसके साथ दी जाती है जिससे कि इवैल्यूएशन इजियर हो जाती है टीचर्स के लिए. इससे टीचर्स का काफी टाइम और एनर्जी सेव होता है क्वेश्चन पेपर बनाने में भी और इवैल्यूएशन करने में भी. इससे टीचिंग भी ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है क्योंकि टाइम टू टाइम टीचर्स जब पढ़ा रहे हैं तो साथ साथ इसमें से क्वेश्चन लेके उससे कॉन्टिन्यूस असेसमेंट कर सकते हैं स्टूडेंट्स की और अपनी टीचिंग को ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं. इससे हमें डेटा भी मिलता है रिसर्च वर्क के लिए क्योंकि इससे डेवलपमेंट ऑफ क्वेश्चन बैंक इटसेल्फ इज अ टॉपिक ऑफ रिसर्च. डीमेरिट्स या लिमिटेशंस देखते हैं इसके. ये एक्सपेंसिव है इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड एफर्ट रिक्वायर्ड क्योंकि ये डिफिकल्ट या लेंथी प्रोसेस है और इसमें काफी टाइम और एफर्ट लगता है और जो जानकार लोग हैं उनकी कमी है, जो कि स्किल्ड एक्सपर्ट्स जिनको पूरी तरह से पता है कि किस तरह से क्वेश्चन बैंक डेवलप करना है डोमेन वाइज कवरिंग द एंटायर कोर्स रिक्वायर स्पेशल स्किल्स एंड वी डू नॉट हैव सो मेनी स्किल्ड एक्सपर्ट्स. और ये एक डिफिकल्ट और लेंथी प्रोसेस है और इसमें टाइम टू टाइम अपडेशन की जरूरत होती है कि क्योंकि टाइम टू टाइम कोर्स चेंज होता रहता है तो टाइम टू टाइम जो क्वेश्चंस ऑब्सोलीट हो गए उनको निकाल के नए क्वेश्चंस ऐड ऑन करते रहना चाहिए. बट इससे ये भी होता है कि एग्जाम ओरिएंटेड टीचिंग एनकरेज होती है क्योंकि टीचर्स फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ क्वेश्चंस देख देख के ही उस हिसाब से ही पढ़ाने लग जाते हैं, विच इज ऑल्सो नॉट गुड. दिस वॉज ऑल अबाउट क्वेश्चन बैंक. थैंक यू सो मच फॉर viewing this video lecture. Thank you. Thanks a lot.